हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कट चॉप एंड कुक। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बॉम्बे स्टाइल तवा बर्गर। देखिए, तवा बर्गर बनाने के लिए मैंने जितनी भी वेजिटेबल्स ली हैं उन्हें मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज अनियन फाइनली चॉप्ड, बॉइल्ड पोटैटो जिन्हें मैं मैश कर लूंगी, फाइनली चॉप्ड कैरेट गाजर, फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम शिमला मिर्च, ग्रीन चिलीज, जिंजर एंड गार्लिक वैसे ही फाइनली चॉप, ये हरे मटर है जिसे मैंने अच्छे से उबाल लिया है तो ये बिल्कुल मैशी ही हो गए हैं। थोड़ा सा मैंने प्याज और टमाटर जो फाइनली चॉप है अलग रख लिया है, ये बाद में मुझे काम आएगा। इसमें मैंने क्या किया है, मेयोनेज और थोड़ा सा टमाटो केचप मिक्स करके कुछ एक ऐसा पेस्ट रेडी कर लिया है। तो बर्गर बना रहे हैं तो आपको बर्गर बन की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने ये मार्केट से ही परचेज कर लिए थे। चीज की आपको थोड़ी सी इसमें जरूरत पड़ेगी ही। देखिए, मैंने एक तवे पे जो है हल्का ऑयल गरम कर लिया है, आप बटर भी यूज कर सकते हैं। अब मैं थोड़े से क्यूमिन सीड्स ऐड करूंगी और उन्हें थोड़ा सिजल होने दूंगी। देखिए, क्यूमिन सीड्स की सिजल होने की मुझे आवाज आ रही है। अब मैं ऐड करूंगी इसमें बारीक चॉप जिंजर और गार्लिक और इसका कच्चापन निकाल दूंगी, तब तक पकाऊंगी। देखिए, इसका कच्चापन निकल गया है। अब मैं ऐड करूंगी बारीक चॉप अनियन और इसे अच्छे से पका लूंगी। देखिए, साथ में ही मैं ऐड कर दूंगी मेरी वेजिटेबल, बारीक चॉप की हुई गाजर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च। इन्हें थोड़ी देर चला लेंगे। देखिए, वेजीज को हल्का सौते करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी मेरे हरे मटर जो मैंने बॉईल करके रखे थे, और थोड़ा सा मैं स्वाद अनुसार इसमें नमक डालूंगी। मसाले डालते समय आप ध्यान रखें कि इसमें हल्का सा मसाला तेज रखें, क्योंकि बाद में ये एक बर्गर बन के अंदर पूरी स्टफिंग होने वाली है और इसी स्टफिंग से जो है असली टेस्ट आएगा। आप चाहे तो मीडियम फ्लेम पे इसे थोड़ी देर ढक के भी पका सकते हैं। देखिए, 2-3 मिनट हो गए हैं इसे मैंने अच्छे से ढक के पकाया है, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक चॉप किया हुआ टमेटो। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ मसाले, जैसे मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून जो है गरम मसाला, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया मसाला, धनिया पाउडर बोल सकते हैं, और अब मैंने ऐड किया इसमें पाव भाजी मसाला 1 टेबलस्पून, क्योंकि जो भी स्ट्रीट स्टाइल जो फूड बनता है बॉम्बे में उसमें पाव भाजी मसाला जो है वो डलता ही है। तो अब हम फिर से इसे अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक पूरी जो हमारी वेजिटेबल और टोमेटो है वो मैशी ना हो जाए। देखिए, अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ी सी इसमें रेड चिली फ्लेक्स या लाल मिर्च पाउडर भी यूज कर सकते हैं। वैसे मैंने इसमें ग्रीन चिलीज डाली थी तो इतनी मुझे नीड नहीं है, पर हल्का सा स्वाद के लिए मैंने इसे डाल दिया है। देखिए, जो वेजिटेबल्स हैं वो थोड़ी सी मैशी हो गई है, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी जो बॉइल्ड पोटैटो है उन्हें अच्छे से मैश करके। देखिए, मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है, तो अब स्टफिंग हमारी रेडी है। अब हम बर्गर बन रेडी करेंगे। देखिए, बर्गर बन को मैंने ऐसे 2 पार्ट्स में काट लिया है। आपके पास मेल्टेड बटर है तो वो आप इसके सेंटर में एक बार लगा लें, क्योंकि ये थोड़े सॉगी होते हैं। तो अब मैंने अंदर वाली तरफ दोनों पे हल्का हल्का जो है घी लगाया है, और अब मैं इन्हें हल्का सा सेक लूंगी अंदर वाली साइड से। देखिए, मैंने सारे बर्गर बन जो है कुछ इस तरह से अंदर वाली साइड से सेक लिए हैं। अब जो हमारी भाजी है वो ठंडी हो गई है थोड़ी सी, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 ऑफ द लेमन का जूस और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए, अब हम अपने सारे बर्गर बंस को अच्छे से फिल कर लेंगे। तो सबसे पहले वो मेयोनेज और सॉस जो मैंने मिक्स करके रखा था बेस पे मैं लगाऊंगी। लगाने के बाद जो स्टफिंग रेडी करके रखी है वो लेंगे और अच्छे से बर्गर बन पे स्प्रेड करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा अनियन और थोड़ा सा टमेटो। अब हम इसमें ऐड करेंगे मोज़रेला चीज। आप किसी भी तरह की मोज़रेला चीज यूज करें, इसका टेस्ट जो है वो हमारे तवा बर्गर को बहुत इन्हांस करेगा।
अभी जो ऊपर वाली साइड है इस पे भी हम बिल्कुल थोड़ी सी एक पतली लेयर जो है वही सॉस की लगाएंगे इस तरह से, और उसके बाद हल्की सी स्टफिंग की एक पतली सी परत और ऐड करेंगे और इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऐसे ही हम सारे बर्गर्स को पहले स्टफिंग भर के रेडी कर लेंगे। देखिए सारे बर्गर बंस जो है मैंने स्टफिंग से भर लिए हैं, अब हम इन्हें दोबारा तवे पे सेक लेंगे। देखिए हमारा तवा बर्गर बन बन के तैयार है। तो इसी तरह से आप सारे जो बर्गर्स हैं उन्हें अच्छे से सेक लीजिए ताकि जो बीच में मोज़रेला हमने डाली है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो देखिए हमारे मजेदार तवा बर्गर बन के तैयार है। मैं आपको एक बर्गर को कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए किस तरह से पूरे बर्गर में एक बहुत अच्छे से स्टफिंग हुई है, बहुत ही मजेदार लग रहे हैं। आई होप आपको इसकी रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने एक्सपीरियंसेस जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।